तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो हमें मिला इन्फॉर्मेशन मिला, उससे हमें ये पता चला कि ह्यूमन जीनोम कंटेंस 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो जो बेसेज हैं उनका नंबर कितना है, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड, जो कि हमने जैसा डिस्कस किया था 3×10⁻¹ करीब, तो वही चीज़ यहाँ पर है। इसके अलावा इसमें एवरेज जीन, अगर किसी एक पर्टिकुलर जीन की बात कर रहे हैं तो उसमें एवरेज जो होता है वो 3000 बेसेज होते हैं। हालांकि ये फिक्स नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है ना। तो कितना वेरी कर सकता है कि जो लार्जेस्ट जीन माना गया है बीइंग डिस्ट्रोफिन, जिसे कि डिस्ट्रोफिन का फॉर्मेशन होता है, वो उसमें जो बेसेज होते हैं वो कितने होते हैं, 2.4 मिलियन बेसेज होते हैं। यानी सिंगल जीन में इतने ज़्यादा बेस पेयर हो सकते हैं और इससे छोटे भी हो सकते हैं जीन। मतलब एक एवरेज अगर सबका निकाला जाए जीन के सीक्वेंस का, तो वो 3000 बेस पेयर करीब आता है, लेकिन ये 2.4 मिलियन तक हो सकता है। और टोटल नंबर ऑफ जीन जो है कि जो भी इस्टीमेटेड की गई है कितना है, जितना एस्टिमेट किया गया था पहले शुरू में जो एस्टिमेशन था वो था कि 80,000 to 1,40,000 तक जीन्स हो सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जो जीन है वो 30,000 के नियर अबाउट है। और जो 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं इन ऑल पीपल। अगर ह्यूमन बींग की बात की जाए तो ऑल ह्यूमन बींग में 99.9% जो आपका DNA सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस है, वो एग्जैक्टली सेम होता है। अगर उसमें चेंज हो जाएगा तो ह्यूमन के बजाय कोई और एनिमल या ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो सकता है। सिर्फ अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0.1% है ना, सिर्फ 0.1% ह्यूमन बींग में डिफरेंस होता है जीनोम के अंदर या न्यूक्लियोटाइड बेसिस के अंदर, और यही जो अंतर है इसी से सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसके बाद फंक्शन ऑफ अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, जितनी भी जीन डिस्कवर्ड हुई हैं अभी तक, हालांकि मतलब जैसा कि हम लोगों ने सीक्वेंसिंग में देखा कि हमने सीक्वेंसिंग तो कर लिया, लेकिन बहुत सारे जीन अभी ऐसे हैं, यानी 50% से ज़्यादा ऐसे जीन हैं जिनके बारे में अभी भी हम लोगों को पूरी तरह से ये नहीं पता है कि इनका फंक्शन एक्चुअली क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे, एक तो हमने देखा कि 99.9% सेम होता है सभी इंडिविजुअल में, दूसरा 50% के बारे में भी फंक्शन नहीं पता है हमें, और लेस देन 2% ऑफ जीनोमिक कोड्स फॉर प्रोटीन, यानी जितने भी कोड हमने सुना कि जितने पर होते हैं ह्यूमन के अंदर, उसमें से सिर्फ लेस देन 2% ही जिन कोड करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में, बाकी 98% से ज़्यादा जो होते हैं वो जीन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं, यानी वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में उनका या जीन के एक्सप्रेशन में उनका कोई रोल नहीं होता है। तो सिर्फ लेस देन 2% जीनोम या जेनेटिक कोड्स आर डिकोड फॉर प्रोटीन्स, बाकी जो होते हैं वो उनकी कोडिंग नहीं होती, नॉन कोडिंग आप उनको कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब जैसे कि ये 98% जो आपका जीन है, इसमें बहुत सारे सीक्वेंस रिपीटेड होते हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीटेड होती हैं, तो ज़्यादातर इसी तरह से रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेज आर स्ट्रेचेज ऑफ DNA सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। ये रिपीटेड सीक्वेंस क्या है, DNA के सीक्वेंस हैं कि एक ही सीक्वेंस बार बार वो रिपीट हो जाता है। कई बार तो कोई DNA सीक्वेंस है वो 100 to 1000 टाइम तक रिपीट होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने जैसा बताया कि इनका कोई फंक्शन नहीं होता है ना, इनका कोई कोडिंग, ये नॉन कोडिंग होते हैं। नॉन कोडिंग का मतलब इससे किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बावजूद वो जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को तो बनाते ही हैं, डायनेमिक्स और इवोल्यूशन में भी इनका रोल होता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि क्रोमोसोम एक्स वाज मोस्ट जीन, जो सबसे ज़्यादा जीन अगर होते हैं ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें क्रोमोसोम एक्स होता है, जिसपे कि जीन होते हैं 2968 जीन की बात हम कर रहे हैं। और वाई पे सबसे कम होते हैं जीन्स, कितने होते हैं 231, सिर्फ इतने इस पे जीन्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम एक्स पे सबसे ज़्यादा जीन है और क्रोमोसोम वाई पे सबसे कम जीन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन से क्रोमोसोम पे ज़्यादा है, एक्स पे सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कम सबसे कम वाई पे, तो एक्स वाई आपको याद रहेगा आसानी से। इसके अलावा साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबव 1.3
फोर मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेज है ना, यानी कि बहुत पूरे अगर डीएनए की हम बात करें तो 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी है जहाँ पे सिर्फ सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस होता है, मतलब कोई एक न्यूक्लियोटाइड का उसमें चेंजिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब सिर्फ एक डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड का या एक बेस पेयर का उसमें चेंज होता है, तो इस तरह इसको हम लोग एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं और ये ह्यूमन में मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं SNP या SNP यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो 1.4 मिलियन ऐसे लोकेशन हैं हमारे डीएनए के ऊपर जहाँ पर कि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि ये एक म्यूटेशन का फॉर्म है एक तरह से, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। दिस इन्फॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सिक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। एक तरह से ये जो आपका जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं SNP जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह का हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की देता है? क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सिक्वेंस आर ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब कि ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इस तरह की चीज़ें होती हैं और ऐसा 1.4 मिलियन पे हो सकता है, और ये जो चेंजिंग होती है ये हेरिडिटरी होती है, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ये पास भी होती रहती है। तो इस सिक्वेंस से हम जो है कि किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से होता है।